Hello, bachcho. Let's read this question. The total lung capacity is represented by total lung capacity. Kya hota hai? Total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration. Forced inspiration. तो अगर हमें यहां पर लिखना हो total lung capacity, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट इज द टोटल ऑफ ई आर बी प्लस टी वी प्लस आई आर बी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम तो लंग्स में ही बना रहेगा. ठीक है, ये एयर को आप एक्सेल नहीं कर सकते. तो आप ये भी जानते हैं ई आर बी टी वी और आई आर बी को ही टोटल को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर A person can breathe in after a forced expiration. तो उसमें क्या क्या आ जाता है? वो इंक्लूड करता है ERB, TB and IRB. तो हम क्या लिख सकते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम. अब देखिए यहां पर दिया है टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी, ये इनकरेक्ट है. टाइडल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ये भी इनकरेक्ट है. वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ये करेक्ट है. इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बट टाइडल वॉल्यूम तो रह गया ना यहाँ पे, तो ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 3. थैंक यू.